ये गिफ्ट तुम्हारी तीनों बहनों के, ठीक है? जितनी फिक्र उन तीनों की करते हो ना, इतनी अपनी भी कर लिया करो। करता तो हूँ उतनी, और क्या चाहिए? अगर करते होते ना तो ये किराए के घर में नहीं रहते हम। तो क्या करता उस समय, मैं बताओ? मम्मी पापा के जाने के बाद अगर मैं उनके लिए नहीं कुछ करता तो कौन करता? यार तुम्हारा ये सही है, जिस दिन कोई त्योहार हो ना तुम्हारा कलेश जरूर होगा। ऐसा नहीं बोला है मैंने, उन तीनों की शादी हो गई है, खुश है, अपना कमा रही है, अपने लिए कर सकती है, लेकिन नहीं, इन्हें हर चीज खरीद के देनी है। ये तुमसे ना बहस करना ही बेकार है, मेरे से जब तक होगा मैं उनके लिए करूंगा, ठीक है? सुन लिया? अब बैग कहाँ है मेरा ये बताओ। बाहर ही है। चलो ये अच्छा किया तुम तीनों ने, तीनों रिद्धि के घर ही मिल गई, नहीं तो मेरे को तीनों के घर अलग अलग आना पड़ता, पूरा दिन लग जाता। देखा भैया, हम तीनों आपके बारे में कितना सोचते हैं। चलो दो हमारा गिफ्ट। हाँ लाओ ना, मैं रुको, बिना गिफ्ट के तुम्हारी राखी तोड़ना पूरी होगी। ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, और ये तुम्हारे लिए, ठीक है? अब क्या हुआ, खोल के नहीं देखोगे कि क्या है? देखेंगे, लेकिन आपके गिफ्ट के बाद। मेरा गिफ्ट? आपका गिफ्ट। इस बार हम तीनों ने सोचा है कि आपको रक्षाबंधन पर ना हम गिफ्ट दें। अरे मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, रहने दो। क्यों नहीं चाहिए आपको? आप हमेशा हमको कुछ ना कुछ देते रहते हो, और अब इस बार हमारा मन है आपको कुछ देने का, तो आप ऐसे मना करके दिखा रहे हो। और अगर आपको नहीं चाहिए ना तो हमें भी नहीं चाहिए, ये लो अपने गिफ्ट। हाँ ये क्या बचपना है। अच्छा बताओ क्या है गिफ्ट? ये लो भैया। ये क्या है भाई? ये किस चीज के पेपर्स हैं? ये आपके नए घर के पेपर्स हैं। अब से आप किराए के घर में नहीं रहोगे, आपका खुद का घर हो। तुम लोगों ने घर खरीद लिया? हाँ। पर क्यों? मैं खुद खरीद लेता अपने आप। कैसे खरीदते हैं आप? बचपन से लेके आज तक आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है, हमारी पढ़ाई का खर्चा, हमारी शादी का खर्चा, तो इसलिए हमें भी लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए आपके लिए। तो बस, और इससे बड़े गिफ्ट आई थिंक और कोई रह नहीं सकता आपके लिए। और वैसे भी भैया, आपने पूरी जिंदगी हमें किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी है। हम आपको ना कुछ कहना चाहते हैं। बोलो। थैंक यू। थैंक यू क्यों बोल रहे हो? मैं ना तुम लोग मेरी। अच्छा वैसे ये बताओ, ये इतने पैसे आए कहाँ से? क्या भैया, आपको पता तो है कि हम तीनों नौकरी करते हैं, तो जो हमें सैलरी मिलती थी ना, उसका हम कुछ हिस्सा अलग से जोड़ के रख लेते थे आपके घर के लिए। और इतने सालों से जो कि हम जोड़ रहे थे पैसे, तो आज वो दिन आ गया कि हम आपको फाइनली घर किस घर पर। अच्छा चलो अब ये बताओ, आपको ये गिफ्ट कैसा लगा? अच्छा लगा। अब हमें हमारा गिफ्ट तो दो। अरे हाँ लो ना, तुम लोगों ने वापसी किए रहे, मैंने तो ना चलो चलो आपको राखी बांधते हैं।